मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में कांडा महोत्सव के शुभारंभ के साथ 273 करोड़ 31 लाख रुपए की 89 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्र में और राज्य में जो डबल इंजन की सरकार है, उसने पिछले 5 वर्षों में पूरे उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 500 से अधिक फैसले लिए, जिसमें हर क्षेत्र को कवर किया गया है। राज्य में रोजगार के खुले नए द्वार। उत्तराखंड सरकार ने पुलिस विभाग में 1718 पदों पर भर्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना धामी सरकार की प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ समय बाद ही सीएम धामी ने विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े लगभग 24,000 पदों पर नियुक्ति शुरू करने के निर्देश दिए थे, जिस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उधम सिंह नगर में जनजाति समाज के बच्चों के लिए भव्य एकलव्य आवासीय विद्यालय का उद्घाटन कर मुख्यमंत्री ने समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा और सभी सुविधाओं का प्रबंध कर दिया है। हर छात्र छात्रा को मिले समान अवसर, इसी के मद्देनजर सीएम धामी ने कई फैसले लिए हैं, जैसे कि सभी राज्य के स्कूलों के कक्षा 10वीं 12वीं के विद्यार्थी और सरकारी डिग्री कॉलेजों के लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट, मेधावी बच्चों की स्कॉलरशिप में कई गुना की बढ़ोतरी। सीएम धामी के प्रयासों से राज्य में नई रेल लाइन बनने का रास्ता हुआ साफ। टनकपुर बागेश्वर ब्रॉड गेज रेल लाइन का सर्वे कार्य शुरू हो गया है। 29 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से हुई जारी। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में बड़े स्तर पर काम हुआ है और कई परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा देने तथा हर मौसम में सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के उद्देश्य से चार धाम सड़क परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ये ऑल वेदर रोड उत्तराखंड वासियों के लिए वरदान साबित होने जा रही है। इससे उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलेगी। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने वाली 889 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर रोड परियोजना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को आपस में जोड़ेगी, जिसके तहत प्रस्तावित रूट में मौजूदा राजमार्ग को 10 मीटर चौड़ीकरण के साथ इसे 2-लेन सड़क में परिवर्तित किया जा रहा है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 13 बाईपास, 2 सुरंग, 25 बड़े ब्रिज और 3 फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। सड़क के किनारे भूस्खलन से बचने के लिए सभी स्थानों पर पहाड़ों को पर्यावरणानुकूल सुदृढ़ किया जा रहा है। चार धाम सड़क संपर्क परियोजना के तहत देवप्रयाग से श्रीकोट तक, ब्रह्मपुरी से कोडियाला तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना का कार्य व सांकड़ी धार, देवप्रयाग व श्रीनगर क्षेत्र को भूस्खलन मुक्त करने का काम पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 दिसंबर को किया जा चुका है। इस परियोजना के बन जाने से चार धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों को खासकर बारिश के मौसम में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे प्रदेश में तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थायी रोजगार का सृजन होगा। मजबूत कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधाएं, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में 15 से 18 साल तक के बच्चों का कोविड टीकाकरण अभियान शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शुरुआत। 6,30,000 बच्चों को लगेगा कोविड टीका। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना संक्रमितों का ग्राफ। 200 के पार पहुंचा कोविड मरीजों का आंकड़ा। नियमों का सख्ताई से पालन करने की अपील। परेड ग्राउंड से आज आम आदमी पार्टी भरेगी चुनावी हुक्का। सीएम केजरीवाल करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित। जनता के लिए खोल सकते हैं घोषणाओं का पिटारा। और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर फिर सुर्खियों में छाए हरदा। अपने ऊपर लगे कलंक को धोने की कही बात, लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं कोरोना की। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी आज से 15 से 18 साल तक के बच्चों का
कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी है। बच्चों के लिए 1 जनवरी से ही कोविन पोर्टल पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। रविवार सुबह तक 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए 3,05,000 से अधिक लाभार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच उत्तराखंड में 6 महीने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में फिर से संक्रमितों के ग्राफ बढ़ने लगा है। बीते दिन एक दिन में 259 नए मामले संक्रमित मरीजों के सामने आए। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद नए चरण का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हो गया है। हालांकि जिस तरह से उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं कोविड नियमों की अनदेखी में कहीं ना कहीं जनता की भी लापरवाही देखी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान जुड़ चुके हैं। हिमांशु से जानेंगे। हिमांशु, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए आज से कोविड वैक्सीनेशन अभियान जो है वो शुरू हो गया है, क्या कुछ आपके पास अपडेट है? जी, आज से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है और इसका जिसका शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आज दो बच्चियों को टीका लगा के टीकाकरण लगा के शुरुआत की है। जी, जैसा आप बता रहे हैं हिमांशु कि दो बच्चों के जो टीकाकरण लगाकर इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मेरा दूसरा सवाल हिमांशु आपसे ये है कि कोरोना के जो मामले हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लगातार जो आंकड़े हैं उसमें उछाल आ रहा है, आपको क्या लगता है वैक्सीनेशन जो है वो कारगर साबित होगा? जी जरूर, इसमें वैक्सीनेशन जरूर कारगर साबित होगा, क्योंकि ऐसा था कि पहले 10 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों के को टीकाकरण किया जाना था, लेकिन जब लगातार पिछले एक हफ्ते से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं तो राज्य सरकार ने बड़ी गंभीरता से इस मामले को लिया है और इस वजह से देखते हुए 3 जनवरी से मतलब कि आज से इस टीकाकरण का काम शुरू कर दिया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण किया जा सके। और उसमें सबसे मेन बात ये थी कि 15 से 18 साल के बच्चों को अब तक टीकाकरण नहीं किया गया था और अब जिससे कि आज से इन्होंने 15 से 18 साल का टीकाकरण शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरे एक हफ्ते में लगभग करीब 6,28,000 बच्चों को टीकाकरण किया जाना है और उसके मद्देनजर देखते हुए आज एक दिन में 1594 सेंटरों में टीकाकरण किया जाएगा बच्चों का। जी हिमांशु, जैसा आप बता रहे हैं कि टीकाकरण का जो आंकड़ा है वो सरकार ने पूरा लक्ष्य निर्धारित कर रखा है पहले से। हिमांशु, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रोकथाम के लिए सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है, और अगर उठा रही है तो मामले दिन पर दिन क्यों बढ़ रहे हैं? जिसमें बताना चाहूंगा कि लगातार इसमें सीएम बैठक कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य विभाग भी लगातार जितने भी जनपद है सबको, जिलाधिकारी है, सीएमओ है, सभी को निर्देशित किया गया हुआ है कि अपने जो जितने भी अस्पताल है सबको दुरुस्त करिए। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी बात ये देखा जा रहा है कि हमने कल बाजारों में जाके एक जायजा लिया था लोगों के बारे में जानने के लिए, तो लोगों का मानना ये है कि अभी लोग, कई लोगों का कहना है कि अभी देहरादून जितना भी अभी कोरोना इतना नहीं है और लोग अभी जागरूक भी नहीं है। लोगों को देखा गया है कि मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे कभी कई लोग इस तरह की जिसमें जागरूकता की कमी दिखाई दे रही है, जिस वजह से भी कह सकते हैं हम कि ये कोरोना के लगातार मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये लोग बाग अगर जागरूक नहीं होते तो आगे आने वाले समय में हम इससे भी ज्यादा मामले देखने को मिल सकते हैं। जी हिमांशु, जैसा आप बता रहे हैं कि आने वाले टाइम पे अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो इससे भी ज्यादा मामले देखने को मिल सकते हैं। हिमांशु, तो क्या सरकार आने वाले वक्त में कोई कड़ा कदम उठा सकती है? जी, इसमें लगातार तैयारी चल रही है, स्वास्थ्य विभाग की डीजी हेल्थ अपना लगातार जितने भी सीएमओ है, सीएमएस है, सभी जनपदों के अस्पतालों के निर्देशित किया हुआ है, सभी अस्पतालों में जितने भी आईसीयू है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, जितने ऑक्सीजन बेड है, सभी को तैयारी कर रखी है, अपनी पूरी इनकी लगभग पूरी तैयारी कर रखी है। और अगर ऐसे भी कुछ आने वाले समय में अगर कभी मामला बढ़ता है दिखाई देता है तो लगभग सभी डॉक्टरों को निर्देशित किया हुआ है कि सभी अपनी
अपना तैयार रहिए। जिस तरह से कोविड के संक्रमण का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, हम भी आपसे अपील करते हैं कि कोविड नियमों का पालन करें। फिलहाल हिमांशु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं अगली खबर की। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही नव परिवर्तन अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान सैनिक सम्मान समारोह भी होगा। आपको बता दें कि देहरादून में अरविंद केजरीवाल ये पहली विशाल रैली को संबोधित करेंगे। केजरीवाल का ये छठा दौरा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता के लिए बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है, अगर उस पर सरकार और विभाग की तरफ से सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में राज्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इसके साथ ही लोगों को अभी से अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। प्रदेश में अन्य जिलों में फिलहाल राहत है, लेकिन देहरादून और नैनीताल में हालात चिंताजनक नजर आ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में कोरोना के आंकड़े उठाकर देखा जाए तो 58% व्यक्ति देहरादून में ही संक्रमित पाए गए हैं। 26 दिसम्बर से 1 जनवरी तक उत्तराखंड में कोरोना के 380 नए मामले सामने आए हैं। चिंता की बात ये है कि इसमें 222 व्यक्ति अकेले देहरादून में संक्रमित पाए गए। ये हालात बताते हैं कि अगर यहाँ कोरोना संक्रमण के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं कराया गया तो जल्द ही कम्युनिटी स्प्रेड होने में देर नहीं लगेगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चेकिंग पोस्ट पर अभियान चलाया जा रहा है तो विभागीय अधिकारी भी समय समय पर बैठक कर हालातों पर अपडेट ले रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना के मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। सरकार की तरफ से दून अस्पताल में पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हर हालात से निपटने का सरकार दावा कर रही है। इन सब के बीच लोगों को चाहिए कि वो भी पूरी तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन करें, ताकि कोरोना के बढ़ते खतरे को रोका जा सके, क्योंकि पिछले दिनों देहरादून के बाजारों में उमड़ रही भीड़ खुले तौर पर कोरोना को चुनौती दे रही है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। नैनीताल के जवाहर नवोदय विद्यालय सोयालबाड़ी में कोरोना संक्रमित छात्रों का आंकड़ा 92 तक पहुंच गया है। एक साथ इतने बच्चों के पॉजिटिव आने से विभाग समेत प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। छात्रों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। पॉजिटिव आए छात्रों के सैंपल अब ओमिक्रॉन की जाँच के लिए देहरादून भी भेज दिए गए हैं। विभाग ने विद्यालय के सभी 485 छात्रों की सैंपलिंग की है। फिलहाल प्रशासन ने विद्यालय में आवाजाही प्रतिबंध कर कंटेनमेंट जोन बना दिया है। पहले 12 पॉजिटिव आए थे, 8 बच्चे शुरुआती दौर में पॉजिटिव आए थे, जिनमें रूटीन चेकअप के लिए जो हमारे डॉक्टर गए हुए थे उनको उसमें हल्के सर्दी जुकाम के लक्षण दिखे थे, तो उनका जो हमने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आए। उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हमने सारे बच्चों की सैम्पलिंग कराई तो उसमें से 82 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, और ये जो 82 पॉजिटिव आए हैं पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, इनमें कोई भी लक्षण नहीं है। एहतियातन कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, आवाजाही प्रतिबंधित कर दी है, और जो नेगेटिव बच्चे हैं पूरी तरीके से आइसोलेट किए जा चुके हैं। आगामी 15 जनवरी तक कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने की संभावना है। कांग्रेस के प्रदेश गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी ने यह बयान दिया है। गरिमा दसौनी ने कहा है कि कांग्रेस करीब 45 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर चुकी है। सोमवार को दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा और इसके बाद पार्टी जल्द अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। कल दिल्ली में एक और बैठक प्रस्तावित है, सीईसी की बैठक है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, और वो बैठकर लगभग नामों को फाइनलाइज कर लेंगे और इसी महीने की 15 तारीख तक संभावित हमारी पहली सूची जारी कर दी जाएगी। और अब बात करेंगे सीएम के रुड़की दौरे की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र में आयोजित रवि कृषि महोत्सव में शिरकत की। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि किसानों के हित के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं उन्होंने जनसभा को संबोधित कर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया।
हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले हरदा एक बार फिर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चाओं में छा गए हैं। हरदा 2022 का इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस खत्म नहीं हुआ कि हरदा के कलंक धोने के बयान ने सूबे की सर्द सियासत को फिर से गर्मा दिया है। एक रिपोर्ट। कांग्रेस में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने को लेकर मंथन हो रहा है, तो दूसरी तरफ हर कोई ये जानने को बेताब है कि हरदा इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हरदा की सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से फिर से हरदा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हरदा ने एक पोस्ट जारी की जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे कलंक को धोने की बात कही है। 2022 की शुरुआत में ही हमने और राजनीतिक दल बहुत बड़ी बातें करते थे, लेकिन हमने बहुत चुपके से जो है अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को बहुत आगे बढ़ा दिया है। मैं अध्यक्ष जी को अपनी चयन समिति स्क्रीनिंग कमेटी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हम आधे से ज्यादा नामों पर हम सर्वसम्मति बना पाए। इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हरदा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में दो सीटों पर हार को लेकर ये पोस्ट जारी की है या फिर उन पर सियासत को लेकर जो कलंक लगे हैं उनके धोने की बात उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की है। मतलब सस्पेंस पर सस्पेंस देकर हरदा ने एक और सस्पेंस खड़ा कर दिया है। अब देखना ये होगा कि हरदा इलेक्शन में चुनावी ताल कहां से ठोकेंगे या फिर अपने नेतृत्व में पार्टी को चुनाव लड़ाकर अपने ऊपर लगे तमाम कलंक को धोएंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से रफशंदा खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जसपुर पहुंची बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां दी, तो विपक्षी दलों पर भी खूब सियासी हमले किए। अजय भट्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के लिए विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर से बहुमत के साथ जनता का समर्थन मिलेगा। जनता की हर सुख सुविधा का हम ध्यान रख रहे हैं, यही हम कह रहे हैं कि ये काम करने का अवसर आपने हमको दिया। मोदी जी को 7 साल हो गए हैं, तो 7 ही साल में कायाकल्प कर दिया हमने। आम आदमी की खुशहाली के कार्य हम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में राज किया, उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो हमको ये सब करने की जरूरत कहाँ थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नज़र हेडलाइंस पर। नमस्कार। प्रदेश भर में 15 से 18 साल तक के बच्चों का कोविड टीकाकरण अभियान शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शुरुआत, 6,30,000 बच्चों को लगेगा कोविड टीका। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना संक्रमितों का ग्राफ, 200 के पार पहुंचा कोविड मरीजों का आंकड़ा। नियमों का सख्ताई से पालन करने की अपील। परेड ग्राउंड से आज आम आदमी पार्टी भरेगी चुनावी हुक्का, सीएम केजरीवाल करेंगे विशाल जनसभा को संबोधित, जनता के लिए खोल सकते हैं घोषणाओं का पिटारा। और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर फिर सुर्खियों में छाए हरदा, अपने ऊपर लगे कलंक को धोने की कही बात, लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार। विकास का पहिया घूम रहा है, अंधेरा आंखें मूंद रहा है, उजियारा हर तरफ है, देखो नया उत्तराखंड है देखो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और धामी जी के नेतृत्व ने उत्तराखंड राज्य को 1,00,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देकर असंभव कार्यों को भी संभव करके दिखाया है। संजीवनी की माउंटेन से बिजली यहाँ चमकती है, नेचर और कल्चर की अद्भुत काया यहाँ दमकती है।
एक्सप्रेसवे दौड़ रहे हैं, टाइम की टेंशन तोड़ रहे हैं। नव निर्माण हर तरफ है देखो, समर्था उत्तराखंड है देखो। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत 16,216 करोड़ की 125 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना टनकपुर बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के साथ ही केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 570 किलोमीटर लंबाई की कुल 5 सड़कें मंजूर की हैं। 9 लाख से अधिक किसानों को कुल 1388 करोड़ की किसान सम्मान निधि। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केदारनाथ धाम में 225 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण। कोरोना महामारी में उत्तराखंड का जनजीवन सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड के सभी पात्र लोगों को 100% पहली डोज लगाई जा चुकी है। उजियारा हर तरफ है देखो, नया ये उत्तराखंड है देखो। सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर वन। धामी सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर वन। बात होने लगी यहाँ अब रोजगार की, ऑन वेदर रोड बद्रीनाथ केदार की। COVID-19 से पूरी जनता को बचाया, नए मार्गों को बना के पर्यटन को बढ़ाया। स्वस्थ हर जन उम्दा सोच हो हमारी, शिक्षा में प्रगति पहाड़ में रेलगाड़ी। महिला सशक्तिकरण की पहल हमारी, गाँव गाँव जन जन के अब हक की बारी। पाए युवा रोजगार समाप्त बेरोजगारी, किसानों का हक अब हमारी जिम्मेदारी। सशक्त प्रदेश बनाने की पूरी तैयारी। धामी सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर वन। धामी सरकार का एक है मन, उत्तराखंड बने नंबर वन। कोरोना से हमने एक बड़ी जंग जीती है। अब स्कूल कॉलेज बाजार ऑफिस पहले की तरह खुल गए हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना वायरस ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना हमें पुनः परेशान न करे, इसके लिए जरूरी है लगातार सावधानी और सजगता। खुद भी सतर्क रहना और दूसरे को भी सावधान करना है। सबसे पहले कोविड टीके की दोनों डोज समय पर लगानी है। याद रखें, टीका ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। उत्तराखंड में 100% पात्र लोगों को पहली डोज लगाने के बाद अब तक 75% से ज्यादा पात्र लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। कोरोना से जंग के बीच जनजीवन तेजी से दौड़ता रहे, इसीलिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभानी है। जरूरी है वही सतर्कता, अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखें, घर से बाहर मास्क लगाएं और कोविड से बचाव संबंधी सभी नियमों का पालन करें। हमने मन में ठाना है कोविड से सबको बचाना है।